नमस्कार। आज राष्ट्र का 72वां गणतंत्र दिवस है। इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। हम इस राष्ट्रीय पर्व की महत्ता को गंभीरता से लें। पृथ्वीराज चौहान के पराजित होने के बाद हमारे देश में बाहरी आक्रमणकारियों का शासन आया। हम पराधीन होने लग गए। ये सिलसिला करीब 1000 वर्ष तक रहा। कभी विदेशी लोग आए, कभी फिरंगी आए, अंग्रेज आए। उसमें क्या था, पराधीनता में हम पर बड़े जटिल नियम थोपे गए। हर आदमी सहमा था। रामायण में उल्लेख है, पराधीन सुख सपन नाहीं। स्वाधीनता का महत्व हम सबको समझना है। राष्ट्र स्वाधीन हुआ उसके बाद 72 साल पहले राष्ट्रीय संविधान बना, जो बड़ा राष्ट्रीय नागरिकों के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए माकूल था। उससे पहले जो भी बाहरी आक्रमणकारी आए, उन्होंने अपने बलपूर्वक हिंसक वातावरण बनाया। कोई स्वाधीनता नहीं थी, न तो वैचारिक स्वाधीनता थी, न तो अन्य किसी किस्म की स्वाधीनता थी। हम पराधीन थे। आज हमें स्वाधीनता के महत्व को समझना होगा। बंधुओं, कोई भी राष्ट्र तब शक्तिशाली होता है जब वहां का हर एक नागरिक सुखी हो। यही राम राज्य की कल्पना है। किसी में भय न हो, वैमनस्य न हो, हर एक सुरक्षित हो, हर एक स्वस्थ हो, हर एक संपन्न हो, हर एक जागरूक हो, हर एक शिक्षित हो, हर एक आस्थावान हो, हर एक के अंदर राष्ट्र के प्रति सद्भाव हो, तभी कोई राष्ट्र सक्षम और शक्तिशाली होता है। संभव है हम सब में, देशवासियों में, विविध संप्रदायों में थोड़ी सी भिन्नता हो, मतभेद हो। ये परस्पर घर में भी होते हैं। घर में 5-6 आदमी होते हैं, उनमें भी कभी कभी मतभेद होता है, लेकिन मतभेद होने के बाद हम घर को घर समझते हैं। इस तरह विरोधाभास के बावजूद भी, मतभेद के बावजूद भी राष्ट्र की धारणा सर्वप्रथम होनी चाहिए। जब राष्ट्र सुरक्षित है तब आप सुरक्षित हैं, जब राष्ट्र संपन्न है तब आप संपन्न हैं, जब राष्ट्र शिक्षित है तब आप शिक्षित हैं। इसलिए इस स्वाधीनता में हमें राष्ट्रीय उत्थान के लिए, जब हर एक नागरिक स्वस्थ हो और स्वावलंबी हो, जीवन यापन के सभी संसाधन हो उसके पास, आर्थिक दशा ठीक हो, गरीबी का उन्मूलन हो और सब सहज रूप से अपना जीवन जिए, तब राष्ट्र शक्तिशाली बनता है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख रहे हैं, कुछ देशों की आर्थिक दशा कमजोर है, इसलिए वहाँ बहुत महंगाई है। आज अर्थ शास्त्र पूरे विश्व की परिधि में है, विश्व छोटी परिधि बन गया है। मैं उदाहरण देता हूँ, मैंने ब्रिटेन में दूध का भाव पूछा, पनीर का भाव पूछा, सब्जियों का भाव पूछा, जब ठीक से मूल्यांकन किया तो एक ही भाव था। इसका मतलब है विश्व की अर्थव्यवस्था अब सामूहिक हो गई है, संसाधन उत्तम हो गए हैं। अगर कोई राष्ट्र की अर्थव्यवस्था डाउन हो जाती है तो
तो वहाँ का आयात निर्यात पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए आर्थिक दशा संपन्न जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं दरिद्र सम दुख जगाना, संत मिलन सम सुख नहीं जाना। इसलिए जब राष्ट्र संपन्न हो, सबको सभी सुविधाएं सुलभ हो, सुरक्षा सुलभ हो, सब आत्मनिर्भर हो, सब शिक्षित हो, सब स्वस्थ हो, सब जिम्मेदार हो। आपको विदेशों की कुछ बात बताता हूँ। वहाँ राष्ट्रीय संविधान को बशर्त पढ़ाया जाता है स्कूल में, क्या कृत है क्या अकृत है, क्या तुम्हारे अधिकार हैं क्या तुम्हारे कर्तव्य है। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो जब व्यक्ति शिक्षित होगा, जहाँ अशिक्षा होगी वहाँ पर क्राइम बढ़ेगा, लोग नियम का पालन नहीं करेंगे। इसलिए शिक्षा सुलभ हो, सहज हो, आसान हो, तब राष्ट्र का उत्थान होता है। जिस घर में लोग शिक्षित है, सभ्य है, वही घर मजबूत होता है। जिसमें अशिक्षित है, निराक्षरता है, वो घर कभी संपन्न और सबल नहीं हो सकता। आप हम सबको राष्ट्र उत्थान के लिए निर्माण करना होगा। इस 72 साल का लेखा जोखा देखते हैं, हमने तरक्की की, इसमें दो राय नहीं है। चाहे कोई भी आया, ये अलग बात है, राजनीतिक दलों का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। पर उस समय की स्थिति मैंने अच्छी तरह से देखी है। मैं कई बार एक बात बोल चुका हूँ कि इस 72वां जन्मदिन है मेरा 18 अप्रैल को, तो इस जीवन में वो समय भी देखा जब गांव में कोई सड़क नहीं थी, एक भी बल्ब नहीं था, इतना पिछड़ापन था, लालटेन नहीं होता था, एक डिबरी जलाते थे। हम ज़रूर थोड़ा 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 उत्थान करते आए, पर हमारे उत्थान में दो रुकावटें ज़्यादा आ गई। जितनी आकांक्षा थी, जितनी उम्मीद थी, हम उतना उत्थान नहीं कर पाए हैं। पर हमें इस तरफ आगे बढ़ना है, गिरकर नहीं गिरना, संभलना है ज़िंदगी। तो उस समय बहुत पिछड़ापन था। राष्ट्र के निर्माण के लिए जिन सब ने कार्य किया उसको नकारा नहीं जा सकता है, सब ने कुछ न कुछ किया है, कोई भी राष्ट्र। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, ये पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है। अगर हम ज़मीनी स्थिति देखें तो इस समय भी हम एक जटिल अवस्था से गुजर रहे हैं। उत्थान तो हो रहा है, पर जब तक राष्ट्र के सभी नागरिकों का सहयोग नहीं होगा, उत्थान नहीं हो सकता है। इसलिए हम सब मिलजुल कर राष्ट्र की प्रगति के लिए एकजुट हों, मतभेदों को भुला दें। मतभेद हो सकते हैं, अधिकतर मतभेद राजनीतिक स्थिति के कारण होते हैं, उसको हम इसमें नहीं लाएं, और धर्म जाति विवाद हम इसमें नहीं लाएं। नहीं तो अगर एक दूसरे के प्रति हमारा राग द्वेष बना रहेगा तो राष्ट्र का उत्थान कभी नहीं हो सकता है। राष्ट्र की धारणा प्रबल हृदय में निवास करती हो तब राष्ट्र सक्षम होगा। राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान न पहुँचे, सरकार के पास एक रुपया भी नहीं है। अगर आप सोचें कोई सरकार के पास जो धन है, जो आय है, वो सब नागरिकों के द्वारा कर वसूली की है। बस यूं हो कि उसका सही सही उपयोग हो, जब सही सही उपयोग होगा तो फिर दिक्कतें नहीं आएगी। इस पर्व पर हमें गहन चिंतन करना होगा कि राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण, हमारा सहयोग क्या है। जब तक नागरिकों का पूरा सहयोग नहीं हो मिलेगा तब तक राष्ट्र संपन्न नहीं होगा और अपराध रेट बढ़ेगा। जैसे गरीबी और अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी, अपराध बढ़ेगा। जैसे अपराध बढ़ेगा तो पब्लिक की सुविधाएं और सुरक्षा में सेंध बढ़ जाएगी। इसलिए हम इन चीज़ों पर भी देखना होगा, इन चीज़ों का पूरा पूरा हमें ध्यान करना होगा, तब जाकर हमारा ये राष्ट्र महान और संपन्न बन सकता है। राष्ट्र की महानता में उच्च शिक्षा, उच्च स्वस्थ सेवाएं, उच्च सुरक्षा, हर एक के अधिकारों का पूरा पूरा पालन और हनन न हो, कार्यपालिका अपना अच्छा काम करे, न्यायपालिका अपना अच्छा कार्य करे और विधायिका अपना अच्छा कार्य करे, तो राष्ट्र महान हो जाता है और लोकतांत्रिक मर्यादा बहुत ऊँची है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ कोई भी राजा नहीं है, यहाँ पब्लिक चुनती है,
ये पूरा पावर पब्लिक के हाथ में होता है। इसलिए हर एक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा और राष्ट्र के निर्माण में अपनी पूरी पूरी भूमिका देनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा हम राष्ट्र का उत्थान कैसे कर रहे हैं। जो लोग राष्ट्रीय भावना को नहीं जानते हैं उनमें राष्ट्रीय भावना का जागरण करना होगा। जो नियम को नहीं समझते हैं उनको नियम बताना होगा। जो अपराध कर रहे हैं उनको सजग करना होगा। जो अशिक्षित हैं उनको शिक्षा देने की कोशिश की जानी होगी। तब जाकर के ये महान राष्ट्र और इस दिन की प्रासंगिकता उत्तम हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।